अगर तुम्हें अब तक की सारी टॉम हार्डी वाली वेनम मूवीज पसंद आई हैं तो ये भी तुम्हें अच्छी लगेगी। लेकिन जब सवाल आता है अपनी ट्रिलॉजी की आखिरी बड़ी मूवी को एक बड़ा सा कोहेसिव एंड देने की, तब ये वहाँ पे थोड़ा मात खा जाती है। वेनम द लास्ट डांस इज अ फन थिएटर मूवी जहाँ तुम्हें घोड़ा वेनम, फिश वेनम, फ्रॉग वेनम, यहाँ तक कि कॉकरोच वेनम भी देखने को मिलता है, जिसमें जैकी श्रॉफ की तरह बिड़ू वाले वन लाइनर्स भी हैं, वेनम का डांस भी है और कुछ अच्छे एक्शन सीन्स भी हैं, जिसके नतीजन तुम ये कह सकते हो कि ये हॉलीवुड की प्रॉपर मास मूवी है। कहानी का बहुत सिर पैर नहीं देखने को मिलता, बस अपने लीड पे ध्यान दो, वेनम ये, वेनम वो, वेनम मरने वाला है, पिछली मूवी से कुछ अच्छे एक्टर्स भी उठा लिए जिसके बेट के सिवाय और कुछ भी काम नहीं होता, एंड दैट्स इट। बाकी कहानी किसको देखनी है, हम तो भाई हीरो को देखने आए हैं ना। जहां अगर आप थिएटर में वो वाली ऑडियंस हो जो कन्फेटी उड़ा के चिल्लाना पसंद करती है, तो वैसे भी आपको स्टोरी से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है एंड आपको पसंद भी आएगी। मगर अब आपको वो ओवर आर्चिंग नैरेटिव देखना है, अगर आप वो वाली ऑडियंस हो तो ये आपको वहां पे डिसअपॉइंट करेगी। जिसको समझने के लिए मोटी मोटा कहानी ये जान लो कि पिक्चर शुरू होती है नल के इंट्रो से। उसकी लोर शुरू में ही बता दी जाती है कि कैसे उसे क्लिंतार जेल में कैद करके रखा गया है, जो कि एक प्लैनेट ही है, सारे सिम्बायोट्स उसी के बच्चे हैं और अत्याचार बढ़ने के कारण उन्होंने ही अपने क्रिएटर को कैद कर लिया, जिसे छुड़ाने के लिए सिर्फ उसके पास एक तरीका है और वो है कोडेक्स, वही अपना जेनरिक एस बहाना। उसी कोडेक्स की तलाश में नल ने अपने जेनोफेजस को यूनिवर्स में फैला दिया ताकि वो आजाद हो सके और फिर पूरी दुनिया पे, पूरी यूनिवर्स पे अपना आतंक कायम कर सके। दूसरी तरफ अपना एडी एमसीयू के अर्थ 616 में होता है एंड थैनोस आयरन मैन वाली लोर को समझ ही रहा होता है कि पीछे से एक पोर्टल खुलता है और वो अपने मेन सोनी के अर्थ 688B में पहुंच जाता है जहां पे वो पहले हुआ करता था। एंड यहां पे थोड़ी सी एक कॉन्टिन्यूटी की इनकंसिस्टेंसी विजुअल वाली नजर आती है, क्योंकि नो वे होम में वो इवेपोरेट होता हुआ नजर आया था और यहाँ पे वो ऐसा पोर्टल में से निकलते हुए नजर आ रहा है। खैर, अब यहाँ से अपनी असली कहानी शुरू होती है। अपने होम प्लैनेट पे आते ही वो पहले बारटेंडर के अल्टरनेट वर्जन को ट्रॉमाटाइज करता है और फिर उसे टिप देता है, जिसमें हल्का सा वेनम का ऑफस्प्रिंग छूट जाता है, जो कि वे नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट में भी देखने को मिला था, पर यहाँ थोड़ा सा अलग है। वहीं भाई तभी हमें पता चलता है कि एडी ब्रॉक को सैन फ्रांसिस्को में डिटेक्टिव मुलिगन की मौत के लिए ढूंढा जा रहा है एंड दूसरी तरफ नल के भेजे हुए जेनोफेज भी उसे मारना चाहते हैं उस कोडेक्स के लिए और वो उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, जो सिर्फ उसे तभी देख सकता है जब एडी वेनम के फुल फॉर्म में हो। तो फिर वहीं अपने जेनोफेज से बच बचा के निकलने के बाद एडी रेक्स टिकलैंड के हत्थे चढ़ता है, जो कि वो भी एक सीक्रेट विलन के लिए काम कर रहा है जिसके बारे में बताया तो नहीं जाता पर वो है पिक्चर में। पीछे से डिटेक्टिव मुलिगन का पुराना सिम्बायोट उसे मरने के लिए छोड़ देता है, पर वहीं रेक्स ने मुलिगन को अपनी एरिया 51 में पकड़ लिया और उसके ऊपर टॉक्सिन का सिम्बायोट छोड़ा, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गया एंड देन उसका सिम्बायोसिस कंप्लीट हो गया एंड देन टॉक्सिक उसे नल एंड कोडेक्स वाली सारी लोगों को अपना लोर समझाता है। एंड फिर क्या था, 2018 से ये कहानी बताई जा रही है कि अर्थ पे सिम्बायोट्स के कई सारे वर्जन ऐसे ही घूम रहे हैं, जिसे एक एक करके रेक्स उन्हें पकड़ के अपनी लैब में रख के एरिया 51 वाली उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है, उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है लेकिन उन्हें अच्छा नहीं समझता। लेकिन इधर कई सारे सिम्बायोट्स क्लिंतार से भाग के अर्थ पे अपनी आर्मी भी बना रहे हैं ताकि वो कोडेक्स को नल तक पहुंचने से रोक सके। एंड में एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है जिसमें एरिया 51 में रखे सारे सिम्बायोट्स छूट के जेनोफेज को रोकने की कोशिश करते हैं और अपने ऑलमोस्ट सभी सिम्बायोट्स मारे जाते हैं। वेनम का एक ग्रेट सैक्रिफाइस भी देखने को मिलता है और एडी को यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक जीवन दान मिलता है, जिसके साथ मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए ये जान लो कि इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। अब ओवरऑल कहानी की बात करें तो जैसे मैं बुरा ना फील कराने के लिए मैं क्लासिक मेरा तरीका है बोलने का, तो ये मैं मूवी को बोलूंगा ठीक है, मैं बहुत इंप्रेस नहीं हुआ, मैंने भी इसके एड्स एंड बिट्स को एंजॉय किया और वो क्लासिक वेनम वाला फन है जैसा पिछली दोनों मूवीज में होता आ रहा है। पर उन दोनों मूवी से कंपैरिजन में भी इस वेनम मूवी को मैं आखिरी में ही रखना पसंद करूंगा, क्योंकि इस मूवी के पास फन होने के साथ साथ इसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी थी अपनी ट्रिलिजी को एक कोहेसिव एंड देने की, पर ये ऐसे ही खेल के निकल गया जैसे कि एक और नया दिन, एक और नई दाल चावल और एक और नई सुपर हीरो मूवी जिसकी मार्टिन स्कॉर्सेसी इज्जत नहीं करते। एंड में हमें एक नहीं बल्कि कई सारे वेनम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि भाई एक नहीं 10 वेनम को दिखा दो पब्लिक तो पागल हो ही जाएगी, जो कि थोड़ा सा कूल तो है, मैं मना नहीं करूंगा। आयरन मैन 3 में भी जब कई सारे आयरन मैन दिखे थे तो कूल तो लगा ही था, क्योंकि तब हम वहां पे एक ऐसी दुनिया में टैप इन कर रहे हैं जिसे हमने इससे पहले कभी नहीं देखा है। पर वो एक बार बंद होने के बाद उतना कुछ खास इंप्रेसिव भी एक्सपीरियंस फील नहीं कराता। इट वॉज जस्ट लाइक विजुअल केओटिक नॉइज एक्शन के नाम पर, जैसे कि नहीं टीवी पे बच्चों के लिए कोको मेलन चला दिया जाता है उन्हें भुलवाने के लिए, वही रिडिकुलसनेस इधर भी किया जा रहा था अडल्ट्स के साथ तुम्हें भुलवाने के लिए, जो कि फन तो है, मैं मना नहीं करूंगा।
जहाँ फिर वही बात आती है कि कम ऑन यार, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही तो देखना ही था ना। एंड वो बात सही भी है, क्योंकि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में बैठे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने पिछले तीन वेनम मूवीज से 3 बार अपनी पिक्चर के डायरेक्टर को बदल दिया, पर जो राइटर था, जो मेन कमी थी, वो सेम रखा, जिनका नाम है केली मार्सेल। और इस बार तो उन्होंने उन्हें डायरेक्टर भी बना दिया, जहां एक्सपेक्टेड ही था कि केली मार्सेल ने इस पिक्चर को लिखा हुआ है, तो भाई जैसे पिछली वेनम मूवीज होती आ रही हैं, ये वाली भी वैसी ही होने वाली है। एंड उसके ऊपर तो भाई वो उसे डायरेक्ट भी कर रही हैं, जिसको लेकर यह मैं कहूंगा कि वेनम 2 थोड़ी सी बेटर इसलिए फील होती है क्योंकि एंडी सर्किस ने उसे डायरेक्ट किया हुआ था, वो एक बेटर विजुअल नैरेटिव लेकर आए थे। पर इस मूवी में अपने एंडी सर्किस को बस नल का रोल प्ले करने को मिला है रिपोर्ट्स के अनुसार, जो कि पूरी पिक्चर में वो बैठे ही रहते हैं। एक छोटा सा ग्लिम्स आता है जो उसके टेरर को दर्शाता है कि अगर वो छूट गया तो क्या कुछ नहीं देगा, एंड वो बस 2 सेकंड का ही था उनका विजुअल। बाकी अगर अपने एंडी सर्किस रहते हैं इस यूनिवर्स के थानोस बनकर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उन्हें पता है कि उस कैरेक्टर की फिजिकैलिटी उन्हें क्या देनी है, उनके पास्ट के काम तो हमने देखे हुए हैं, सीजे के साथ कमाल का जाते हैं। मगर इस बार भी अपनी केली मार्सेल ने खुद को 3री बार साबित कर दिया कि वो वेनम मूवीज को अच्छे से नहीं लिख सकती, और इस बार तो ये भी साबित कर दिया कि वो डायरेक्ट भी नहीं कर सकती वेनम मूवीज को, क्योंकि देयर इज अ म्यूजिकल सीन इन दिस मूवी जहां पे वेनम और मिसेस चेन अपने पेंटहाउस में डांस कर रहे होते हैं, और उस डांस को पता नहीं किस भांग पी के उन्होंने उसे एडिट किया हुआ है, कोई कोरियोग्राफी ढंग से नहीं दिखती, इतने एडिट से उसमें, कसम से मैं बता रहा हूं कितना आइकॉनिक हो सकता था वो मोमेंट, पर नहीं। एंड मूवी में ऐसे कई बार ऐसे सिली एक्सपोजिशन लेजी वाले देखने को मिलते हैं जिनका कोई कुछ खास सेंस नहीं बनता। वो तो एक पहला तो अपना मिसेस चेन और उसके साथ डांस वाला एक्सपोजिशन तो भाई सेंस ही नहीं बनाता, क्योंकि भाई वो जानता है कि अगर वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो ज़ेनोफेज उसके पीछे आ जाएगा मिनटों में, और खुद को तो खतरे में डालेगा ही, अपनी अर्थ को भी डालेगा और मिसेस चेन को भी खतरे में डाल देगा। पता नहीं क्या ब्रह्मास्त्र देख के लिखा था क्या उन्होंने कि पीछे वो उसे मारने आ रही है और यहाँ पे ये डांस कर रहे हैं। एंड फिर उसके साथ अपने लेजी राइटिंग की ही बात करें तो रायन डिफेंस वाला एंगल भी उन्होंने डाला हुआ है, जहाँ वो एक्टर बेट हम समझ ही सकते हैं कि पिछली पिक्चर में वो लिजर्ड थे, तो कुछ इसमें नहीं होने वाला, वो बात हमें समझ में आ रही है, वो सस्ती मस्ती हमारे लेने के लिए डाला हुआ था, एक्सपेक्टेड था, पर वो भी ढंग से नहीं लिखा गया है। वो अपनी फैमिली के साथ एलियन देखने के लिए एरिया 51 में ऐवे ही घुस जाता है, एक टावर पर चढ़ जाता है, बजूका चला देता है, और की फैमिली तो हिप्पी है ही, उसे बिना किसी लॉजिक के ऐसे उसे फॉलो करती ही जा रही होती है। अपनी इस मूवी में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिया हुआ है अपनी टेडी पेन का, उसकी भी बैक स्टोरी उसे मिली हुई है कि कैसे वो पैरालाइज हो गई थी अपनी टीनेज की उम्र में, एंड बात बात में अपने भाई मरे हुए भाई के सपने को बीच में लेकर आती है कि उसकी वजह से मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, ये उसका सपना था फला रेडिम का ना। एंड एंड में रखा भी किस लिए उसे, कि वो सिम्बायोट को एंड मोमेंट पे यूज कर सके और अपनी कलीग को बचा सके, कुछ बहुत भारी काम नहीं है। वहीं उसी के साथ अपने मिस्टर एजियो 4 का भाई रोला काफ़ी अच्छा लगता है, उनके कैरेक्टर में नज़र आता है कि एक रेंज नज़र आ रही है इमोशंस की, वो बंदा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो एडी को तो डायरेक्टली मार देता है अचानक से, वो थोड़ा सा अच्छा था। पर ये जो बाकी टॉक्सिन और बाकी सारे सिम्बायोट्स को ऐसे सस्ते में ही निकल जाना, बिना किसी प्रॉपर लॉजिक के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देना और साथ में ऐसे बने रहना, आपको बहुत ही कन्वीनियंट स्टोरी टेलिंग दिखाता है कि एवें ही निकाल दिया, मतलब कि सुपर हीरो मूवी है ना फैंस की, तो क्यों ज़्यादा इसमें बकचोदी में दिमाग लगाना, डाल दो ये चीज़ें, ये लोग मज़े कर लेंगे, देख लेंगे। और यही मुझे पसंद नहीं आता जब मूवी की राइटिंग अपने ऑडियंस के कॉन्शियस को रिस्पेक्ट नहीं करती, बल्कि सिर्फ उन्हें एक्सप्लॉइट करती है। बाकी मूवी ठीक ही है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वेनम मूवीज़ को इन्जॉय करते हुए आ रहे हैं और इसे भी इन्जॉय किया है, या फिर मैं बोलूँ काफ़ी इन्जॉय करने की कोशिश की है। क्लाइमैक्स अच्छा है, थोड़ा सा लंबा है, अच्छा लगता है देख के। उसके बाद भी जब इंटरवल फर्स्ट हाफ खत्म हुआ ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे कुछ हैवी फीलिंग नहीं आ रही है कि भाई ये ट्रिलॉजी का एंड देख रहा हूँ, वेनम की आखिरी मूवी देख रहा हूँ, या फिर नल जैसा विलन कुछ सीरियस थ्रेट भी फील हो रहा है, ये बस आया एक्शन किया निकल गया ऐसा चल रहा था। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो काम भी कर जाता है, क्योंकि नॉट गोना लाई इट्स अ फैसिनेटिंग फिल्म कि जब वेनम और बाकी सारे कैरेक्टर्स को देख पाते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के सामने बेबी शड्डू डू 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 चला दो ना, तो वो बस भूले रहते हैं और उसी में झूमते रहते हैं, तो वो चीज़ चली रहती है इसमें और काम करता है कुछ दूरी तक, लेकिन जब वो गाना बंद होता है ना, तब आपको वो सारी खमियाँ क्लिक होती है कि क्या था वो, क्या किया, हो गया हैं जी, बस ऐसा था। बट है जैसा SSU में मैडम वेब एंड मोरबियस के साथ स्टैंडर्ड है अपने SSU की स्टोरी टेलिंग का, उसके मायनों में एटलीस्ट ये मूवी तो काफ़ी बेटर ही है। वेनम मूवीज़ वैसे भी बेटर होती हैं। बाकी अब अगर मुझे इस मूवी को कहीं पर रैंक करना हो तो मैं इसे सारी टॉम हार्डी के वेनम मूवीज़ में से सबसे आखिरी में ही रैंक करना चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी थी और वो जिम्मेदारी वो भूल गए। बाकी मूवी बुरी नहीं है ऐसा नहीं कहूँगा, बस बहुत ज़्यादा
अच्छा फील नहीं कराती। मिस मत करना, अपना वेनम है यार। इसके साथ अपने भाई मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन भी है जहां नल अपना फिर से रौला बांध रहा होता है कि क्या हुआ कि मैं हार गया, मैं आऊँगा और सबको तबाह कर दूंगा, सब कुछ एकदम बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ही रौला सेट करके वो चला जाता है, फाइनली अपना चेहरा दिखा देता है, जो कि दिखता है कि हाँ वो मतलब काफ़ी एज किया हुआ है, सूखा हुआ वैम्पायर टाइपिश है। जिसके साथ अब अपने पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो वेनम का जो मूवी के शुरू में एक छोटा सा ऑफस्प्रिंग वो नहीं छोड़ के चला गया था बारटेंडर के पास, वो बारटेंडर हमें एंड में देखने को मिलता है, और वो कॉकरोच की जो फोरशेडोइंग की जा रही थी वो एंड में कॉकरोच में वेनम अपना खुद को ग्रहण करके बाहर बच के निकल चुका है, जो कि बताता है कि भाई एडी के पास अभी वेनम तो नहीं है मगर आगे ज़रूर मिल जाएगा, थोड़ा सा 2-3 साल का हाइटस लेने के बाद। बाकी अभी मूवी की एंडिंग, इसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस और पोस्ट क्रेडिट के बारे में डिटेल में बात करेंगे एक अलग सी वीडियो में, पर तब तक के लिए वेनम द लास्ट डांस ठीक वैसी ही है जैसा बाकी वेनम की मूवीज़ होती आ रही थी, मगर इस बार मैं कहूँगा थोड़े से माइनस ऑरा के साथ। क्योंकि याद करो कि जब पहली वेनम मूवी आई थी तो क्या एक बैडासरी थी, जब भाई अपने एमिनेम ने वेनम का गाना दिया हुआ था तो वो बैडनेस के साथ भाई वो एक डर भी था कि भाई वेनम है, मगर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मजाक, थोड़ा सा ज़्यादा रेडिकुलसनेस में ही मूवी निकल गई। बाकी अगर तुमने अब तक मूवी देख ली है तो अपनी ओपिनियंस में ज़रूर बताना, और तुम वेनम के लिए कितना एक्साइटेड हो, SSU के फ्यूचर के लिए कितना एक्साइटेड हो, और नल के बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय मुझे नीचे ज़रूर बताना। पर तब तक के लिए देखते रहिए PJ Explained।